Congratulations, Team Magenta. I request everybody to please put their hands together while we are inaugurating the India's first street lamp integrated EV charging station. मान्यवरांचे आभार आणि मजेंटा टीमला पुढील वाटचालीसाठी हार्दिक शुभेच्छा. Congratulations everyone, congratulations Team Magenta. मान्यवरांचे आभार आणि मजेंटा टीमला पुढील वाटचालीसाठी हार्दिक शुभेच्छा. अरे सगळे रोल सर, एकीकडे राज्य सरकारचं एक ड्रीम होतं की अशा पद्धतीनं इलेक्ट्रिक व्हेकल जे आहेत ते मोठ्या प्रमाणात यावेत आणि त्या दृष्टीनं आता स्टेशन्स उभारायला सुरुवात झालेली आहे. राज्य सरकारने एक इलेक्ट्रिक व्हेकल धोरण नुकतंच जाहीर केलं. हे धोरण परिवहन विभाग, पर्यावरण विभाग आणि उद्योग विभाग या तिन्ही विभागांनी मिळून केलेलं आहे आणि त्यामध्ये इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन्सना जास्तीत जास्त प्रोत्साहन द्यायचं आणि त्याचं संपूर्ण जाळं विणलं गेलं पाहिजे. जागोजागी जसे पेट्रोल पंप दिसतात त्याप्रमाणे ठिकठिकाणी ज्यांच्याकडे ही इलेक्ट्रिक व्हेकल्स आहेत, वाहनं आहेत विजेवर चालणारी, त्यांच्यासाठी चार्जिंगची कुठेही अडचण होऊ नये म्हणून ही चार्जिंग स्टेशन ठिकठिकाणी उभारण्याचं आमचं जे धोरण आहे त्याच्याप्रमाणे आज इथे परळला हे एक चार्जिंग स्टेशन सुरू होतं आहे. अशीच आता ठिकठिकाणी होणार आणि त्यामुळे जे कोणी विजेवर चालणारी वाहनं घेणारे आहेत त्यांना एक फार मोठं उत्तेजन मिळेल. त्यांची चिंता दूर होईल की चार्जिंग संपलं की मग कुठे जायचं. तर त्यासाठी राज्य सरकारनं ह्या धोरणातून अनेक प्रकारच्या सोयी सवलती आणि प्रोत्साहन दिलेलं आहे आणि त्यामुळं मला असं वाटतं की मुंबई आपली जी आहे ती पूर्णपणे प्रदूषणमुक्त व्हायला मोठी मदत होईल आणि ह्याच्यामध्ये आपल्याला जसं एक आपण म्हणतो ड्राईव्ह इन टू अ ग्रीनर फ्युचर तसं अत्यंत पर्यावरण स्नेही अशा प्रकारची व्यवस्था पुढे उदयाला येत आहे. याबद्दल हे जे उद्योजक आहेत त्यांचे जे ह्याच्यातला सहभाग आहे महत्त्वाचा आहे. आज या ठिकाणी मॅजेंटा ह्या कंपनीने ह्या पुढाकार घेतला, त्यांनी ठिकठिकाणी अशी चार्जिंग स्टेशन उभारायचं ठरवलं आणि राज्य सरकार त्यांना पूर्ण सहकार्य देणार, त्यांना जी लागेल ती मदत देणार. परंतु भविष्यातली सगळी वाहनं ही विजेवर चालणारी असली पाहिजेत की ज्याच्यामुळे प्रदूषण कमी होईल आणि पेट्रोलवरचं आपलं अवलंबित्व आहे तेही कमी होईल. स्ट्रीट पूलवर हे चार्जिंग स्टेशन आहे जे लाईट विद्युत खांब आहे त्याच्यावर केलेलं आहे. हां, वेगळी जागा असण्याची गरज नाही. आता हा जो इलेक्ट्रिक खांब दाखवलेला आहे हा भारतातला पहिला आहे. हे आपलं मुंबईचं महाराष्ट्राचं वैशिष्ट्य आहे की अनेक पहिल्या गोष्टी आपण करतो आणि हा पहिला इलेक्ट्रिक पोल आहे की ज्याच्यामुळे ही चार्जिंगची सुविधा आता वाहन मालकांना चालकांना उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे हे असे ठिकठिकाणी तुम्हाला इलेक्ट्रिक चार्जचे पोल्स हे उभे राहिलेले दिसतील. सर, पर्यावरणाच्या दृष्टीने एक पाऊल जे आहे ते आपण पुढे घातलेलं आहे, राज्याने एक पाऊल पुढे ठेवलेलं आहे, केंद्राने कुठेतरी या सगळ्या गोष्टीचा महाराष्ट्राने ठेवलेल्या पाऊलाचा गंभीरपणे विचार केला पाहिजे असं वाटतं. ही खरी गोष्ट आहे. आम्ही तिन्ही खात्यांनी मिळून हे धोरण केलं आहे. आदित्य ठाकरे यांनी याच्यात पुढाकार घेतला पर्यावरण मंत्री म्हणून. भारत सरकारने सुद्धा इलेक्ट्रिक व्हेकल्सना प्रोत्साहन द्यायचं ठरवलेलं आहे, परंतु त्यांनी अधिक त्याच्या बाबतीत सक्रिय झालं पाहिजे आणि राज्य सरकारांचे जे उपक्रम आहेत त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात केंद्र सरकारने जर सहभाग घेतला तर ही एक प्रकारची चळवळ लोकांमध्ये जास्त वाढीला लागेल आणि आपलं जे स्वप्न आहे की लवकरात लवकर जुनी जी वाहनं आहेत ती बदलून जनतेनं ही विजेवर चालणारी वाहनं घ्यावीत. दोन चाकी, तीन चाकी, चार चाकी सगळी वाहनं, अगदी बसेससुद्धा
राज्य सरकारने असं ठरवलं की पुढच्या काही वर्षांमध्ये आपले जे सार्वजनिक वाहतूक आहे त्याच्यातल्या सगळ्या बसेस ह्या इलेक्ट्रिकवरच्या असतील. त्याच्यामुळे प्रदूषण होणार नाही, पेट्रोल डिझेल कमी लागेल आणि अतिशय स्मूथ, अतिशय हळुवारपणे हे त्याचे जो धक्के बसणं, झटके बसणं असलं काही इलेक्ट्रिक व्हेकलमध्ये होत नाही. त्यांचे जे वाहन जे चालतं ते अत्यंत चांगल्या पद्धतीने चालतं आणि त्यामुळे प्रवाशांना सुद्धा त्याचा मोठा लाभ होतो. एम आय डी सीने सर्वत्र जिथे जिथे एम आय डी सीचे औद्योगिक क्षेत्र आहे त्या प्रत्येक ठिकाणी अशा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनला प्रोत्साहन द्यायचं ठरवलं आहे. त्यामुळे जे कोणी येतील, जागा मागतील, त्यांना एम आय डी सी तत्काळ जमीन द्यायला तयार आहे. सर, हिंदी में बता दीजिए किस तरह से ये इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बार ऐसा इस तरह का कदम उठाया गया है. आज मैं यहाँ पे मुंबई के परेल में भारत का पहला इलेक्ट्रिक पोल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन करने के लिए आया हूँ और ये जो इलेक्ट्रिक पोल दिख रहा है उसी तरह की सब जगह पे तैयार हो रहे हैं और इसके लिए आज जो है ये मैजेंटा कंपनी ने ये काम किया है वही सब जगह पे करेंगे और भी लोग इसमें आ सकते हैं. लेकिन हम राज्य सरकार की तरफ से इनको पूरी तरह से समर्थन देने के लिए तैयार है. उनको इसके लिए सब्सिडी मिलती है, इसके लिए ज़मीन चाहिए, इसके लिए जिस तरह का सपोर्ट चाहिए वो देने के लिए राज्य सरकार ने तैयारी की है और मैं मानता हूँ कि जल्द से जल्द अपने यहाँ ऐसे चार्जिंग स्टेशन तैयार हो जाएंगे तो जो वाहन खरीदने वाले हैं वो ज़्यादा में ज़्यादा संख्या में इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ मुड़ेंगे और पेट्रोल डीजल के जो प्रदूषण करने वाले, पोल्यूशन करने वाले जो व्हीकल है वो पीछे रहेंगे और आगे आएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. सही बात आहे सर. जसं आपण बघतोय की मुख्यमंत्री हे अतिशय संवेदनशील आहे आणि तरी देखील दबाव टाकणारी भाषा मुख्यमंत्री पत्रात येतात असा आरोप राज्यपालांच्या एकूणच पत्रामधून असल्याचं कळत आहे. राज्यपालांनी पत्र दिलेलं आहे, राज्यपालांनी नाराजी व्यक्त केली आणि मुख्यमंत्र्यांची भाषा ही दबाव टाकणारी आहे असं देखील एक दुःख व्यक्त केलंय. राज्यपालांनी जर नाराजी व्यक्त केली आहे तर राज्य सरकार पण नाराज आहे. ज्या तऱ्हेचं सहकार्य राजभवनकडून पाहिजे असं मिळत नाही आहे. सर्वसाधारणपणे राज्यपाल हे राज्य सरकारच्या सल्ल्याप्रमाणे निर्णय घेतात. सल्ला देणं हे राज्य सरकारचं काम आहे आणि त्यांचे जे काही कार्यक्रम असतात, जे निर्णय असतात त्याप्रमाणे विनंती केली जाते. आताही कोणताही संघर्ष होऊ नये ह्याची पुरेपूर काळजी किंवा राज्यपाल पदाचा अवमान होऊ नये त्याची पुरेपूर काळजी आम्ही सरकारमधल्या मंडळींनी घेतलेली आहे. काल संघर्ष टोकाला जाऊ शकत होता परंतु संयम बाळगून महाविकास आघाडीने इथेच थांबायचं ठरवलं आहे. आणि ठीक आहे, राज्यपाल जेव्हा राजी होतील आणि अनुमती देतील त्यावेळेला ते अध्यक्षपदाची निवडणूक होईल. परंतु आम्हाला अशी अपेक्षा आहे, जे आपल्या भारताच्या घटनेला अपेक्षित आहे, की माननीय राज्यपालांनी राज्य सरकारच्या सल्ल्याप्रमाणे निर्णय घेतले पाहिजेत आणि हे लवकर घेतले पाहिजेत. 12 विधान परिषदेतल्या आमदारांची नियुक्ती असो, अध्यक्षपदाची निवड असो, या बाबतीत राज्य सरकारने अनेक वेळा त्यांना विनंती केली, स्मरणपत्र दिली, प्रार्थना केली, भेटून प्रत्यक्ष त्यांना आवाहन केलं, परंतु त्याच्याबद्दलचे निर्णय होत नाहीत. तर राज्यघटनेला जे अपेक्षित सहकार्य राजभवनमधून किंवा माननीय राज्यपालांकडून मिळणं अपेक्षित आहे तसं सहकार्य इथून पुढे लवकरात लवकर मिळेल. सरकारकडून आल्यामुळेच भाजप राज्यपालांच्या आडून अशा प्रकारचं राजकारण होतं असं वाटतं. तुम्हाला राजकीय किनार वाटते ह्याच्यामध्ये काही? राज्यात सत्ता न आल्यामुळं राज्यपालांच्या आडून राजकारण असं आमच्या महाविकास आघाडीच्या अनेक नेत्यांनी अशी एक शंका व्यक्त केलेली आहे की विरोधी पक्ष भारतीय जनता पक्षाचं जे धोरण असेल किंवा त्यांच्या ज्या मागण्या आहेत त्यांचा पाठपुरावा राजभवनमधून होत आहे तिकडे. आता त्याचा खुलासा तिकडूनच झाला पाहिजे की नेमक्या भारतीय जनता पक्ष एक विरोधी पक्ष म्हणून मागणी करतो आहे. तशीच पावलं माननीय राज्यपालांकडून पडत असतील तर
त्याच्याबद्दल आश्चर्य सर्वत्र व्यक्त होतं असं असतं का म्हणे? राज्यपालांचं स्वतःचं धोरण असलं पाहिजे आणि भारतीय राज्यघटनेने स्पष्टपणानं नमूद केलेलं आहे की राज्य सरकार सल्ला देईल त्याप्रमाणे राज्यपालांनी निर्णय घेतले पाहिजे. सर, पण जो प्रस्ताव पाठवलेला आहे तो प्रस्ताव जो आहे तो बेकायदेशीर आणि त्याच्यामध्ये घटनाबाह्य आहे असा देखील उल्लेख पत्रामधून केला असल्याची माहिती मिळते. हीच नाही, विधिमंडळ हे पूर्णपणे स्वायत्त आहे. विधिमंडळाच्या कोणत्याही निर्णयामध्ये सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय सुद्धा हस्तक्षेप करत नाहीत. बरं, हे अलीकडच्याच निर्णयावरून स्पष्ट झालेलं आहे की सर्वोच्च न्यायालयाने आणि उच्च न्यायालयाने विधिमंडळाच्या निर्णयामध्ये हस्तक्षेप करायला नकार दिला. याचा अर्थ स्वतंत्रपणे विधिमंडळ त्यांच्या कक्षेतलं जे काम आहे त्याचे नियम करू शकतं, नियम बदलू शकतं. त्यामुळे जे काही विधिमंडळाने निर्णय घेतलेले आहेत ते योग्य आणि राज्यघटनेप्रमाणे कायद्याला धरून आहेत, त्यामुळे कोणताही बेकायदेशीर प्रकार ह्याच्यात झालेला नाही. सर्व प्रक्रिया कडून बोललं जातं. अच्छा, सबसे पहले ये जो इनिशिएटिव कहूंगा मैं, इसे इनिशिएटिव के बारे में बताइए हमारी ऑडियंस को कि किस तरह का इनिशिएटिव है, स्पेशली आज के टाइम में जिस तरह का पोल्यूशन चल रहा है हमारे इंडिया में, महाराष्ट्र में, तो उसके लिए कितना ज़रूरी था ये? देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उपयोग करना है, यूज़ करना है करके बहुत लोग कुछ बोल इसके बारे में सोच रहे थे, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़र को चार्जिंग कहाँ मिले ये सबसे बड़ी जो चुनौती थी उसको हमने 2018 में शुरुआत करी. सो मजेंटा 2018 से ईवी चार्जिंग सॉल्यूशंस बना रहा था. अब हमने ये रियलाइज़ किया कि चार्जिंग के लिए हम लोग जो इंटरनेशनल सॉल्यूशंस भारत में नहीं लगा सकते या उसका सबसे ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा, इसके चार मुख्य कारण हैं: हीट, ह्यूमिडिटी, हार्मोनिक्स एंड ह्यूमंस, जिसको बोलते हैं भारत में बोलते हैं बारिश, गर्मी, पावर सिचुएशन और हार्मोनिक्स या ह्यूमंस, यानी जिस तरह हम भारतीय होके पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं, इसको सॉल्व करने की हम लोग कोशिश कर रहे थे. तो ये करते हुए हमको ये रियलाइज़ हुआ कि कहाँ पर हम लोग चार्जिंग स्टेशन डालने के लिए, लोग बोल रहे थे कि बड़े बड़े यूनिट्स डालने होंगे, लेकिन हमें ये रियलाइज़ किया कि सबसे ज़्यादा रोड्स पे या पार्किंग लॉट्स में क्या अवेलेबल है गाड़ियों के अलावा? इलेक्ट्रिक पोल. अब वो इलेक्ट्रिक पोल का सिर्फ एक ही इस्तेमाल हो रहा था, रोशनी के लिए, और वो इलेक्ट्रिक पोल जगह जगह पर वहाँ पर बिजली भी आ रही थी और उसके अंदर पूरा खाली था. तो उसको हम लोग ने रियलाइज़ किया कि इलेक्ट्रिक पोल्स के अंदर चार्जिंग स्टेशन अगर हम बिठाएं तो ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया होगा. और दो साल पहले से इसके बारे में हमने रिसर्च करना शुरू किया और ये जो चार्जिंग स्टेशन या जिसको हम लोग कहते हैं चार्ज ग्रिड फ्लेयर या स्ट्रीट लैम्प इंटीग्रेटेड ईवी चार्जर, इसके कुछ बहुत ही यूनिक पॉइंट्स हैं. जैसे कि सबसे पहले इसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है आपको, आपको ऐप पे पता चलेगा, आपको ये भी पता चलेगा कहाँ पर ये अवेलेबल है, इसे कोई यूज़ कर रहा है नहीं कर रहा है. और एक एक चीज़ जो लोग ज़्यादातर सोच नहीं पाते, आपको गाड़ी के अंदर बैठकर ही पता चलेगा. आप सपोज़ यहाँ चार्जिंग स्टेशन के पास है, आपको गाड़ी में उतरने की ज़रूरत नहीं है, ऐप के बावजूद आप जो देखते हैं चार्जर के ऊपर जो लाइट है वो फ्लोरोसेंट लाइट इसलिए बनाया है कि बारिश में भी आपको पता चले कि चार्जर अवेलेबल है. इसके अलावा इसमें फुल सेफ्टी डिवाइसेस हैं, मीटरिंग डिवाइसेस हैं और पूरा फुल फ्लेज ऐप है. इसका मतलब और है कि ये भी है कि अगर आप चार्जिंग कोई कर रहा है तो हमारे सेंट्रल सिस्टम में पता चल जाता है कि कोई चार्जिंग कर रहा है नहीं कर रहा है, किसी को परेशानी हो, किसी ने इमरजेंसी बटन दबाया हो, हमको सेंट्रली पता चल जाता है. तो दिखने में छोटा लेकिन इट्स अ वेरी हाई टेक जिसको बोल सकते हैं डिवाइस. और इसको बनाने का एक ही कारण है, चार्जिंग को इकोनॉमिकल यानी चीप बनाना है, अफोर्डेबल या इकोनॉमिकल बनाना है जैसे मैंने बताया. दूसरा है अवेलेबल, जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक पिलर हो वहाँ वहाँ चार्जिंग हो. और थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ ईजी टू यूज़, यहाँ आके कोई दिक्कत नहीं, कोई स्विच दबाना नहीं है, कुछ नहीं है, आप प्लग कीजिए ऐप पे, स्लाइड कीजिए, चार्जिंग शुरू. तो ये इन तीन चीज़ों को लेके हमने ये चार्जिंग स्टेशन स्टेट गवर्नमेंट से किस तरह का सपोर्ट मिला है के लिए और क्या रिएक्शन था जब आपने उनको इस आइडिया के बारे में बताया? देखिए, भारत में एक बहुत ही एक अच्छी चीज़ हो रही है कि सभी सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, सभी लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में चाहते हैं कि वो और इलेक्ट्रिक व्हीकल और चार्जिंग स्टेशन लगाएं. जब हमने महाराष्ट्र गवर्नमेंट में हो या तमिलनाडु में झाली या कोई भी अलग स्टेट गवर्नमेंट, जब भी हमने बात की हमें प्रोत्साहन मिली. हालांकि हम ये भी चाहते हैं कि हर एक स्टेट गवर्नमेंट प्रोत्साहन के अलावा ऑन द ग्राउंड कुछ इश्यूज होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए हमें हेल्प करे. जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ये नया बिजनेस है,
आप जैसे आप बिजली का बिल भरने जाते हैं, आपको पता है कि आपको बिल आना है, आपको बिल भरना है, वैसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के लिए भी कुछ प्रोसेस है जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट हो, डिस्कॉम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इनको साथ मिलके अगर आएँ और प्राइवेट एजेंसीज लाइक मजेंटा साथ में आएँ तो भारत में जो ईवी रेवोल्यूशन को कोई रोक नहीं सकता। पहली बार यहाँ पर शुरुआत हुई है, अभी तक यहाँ पर मुंबई में और कहाँ कहाँ भी प्लानिंग कर रहे हैं? 2018 से हमने चार्जिंग स्टेशन जैसे लगाए हैं। सब भारत का सबसे पहला हाईवे बेस्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन लोनावला में, जो बॉम्बे पुणे हाईवे में, हमने 2018 में जून में लगाया था। भारत का सबसे पहला सोलर बेस्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन भी हमने लगाया, आप देख सकते हैं वहाँ पर राइट में पूरा लिखा हुआ है। और भारत का सबसे पहला ईवी बिलिंग मीटर भी हमने ही लगाया था। हालांकि ये 2018 की बातें हैं, अभी क्या हो रहा है, अगर आप ऐप डाउनलोड करें, भारत में एट दिस पॉइंट इस समय साधारण से 600 चार्जर्स लगा रहे हैं हम, प्रोजेक्ट्स अप हो रहे हैं दिन ब दिन, एक एक चार्जिंग स्टेशन। हाल ही में आपने देखा होगा लोनावला में फर्न होटल में हमने चार्जर ऑन किया है, फिर कराड़, कोल्हापुर, बेलगांव, तो बॉम्बे से पूना छोड़िए, बॉम्बे से बैंगलोर जाना, बॉम्बे से अहमदाबाद जाना, ये चार्जिंग स्टेशन लग रहे हैं। और एक चीज़ें HPCL के साथ और वैसे बहुत सारे कंपनीज के साथ हम चार्जिंग स्टेशन लगा रहे हैं। 34 सिटीज़ में चार्जर्स ऑलरेडी लग चुके हैं, सिर्फ उनको ऑन होना, कमीशन होना, ये टाइम ले रहा है। बट मैं चाहता हूँ कि अगली बार जब हम मिलें, हो सके जल्दी, लेकिन जब भी मिले तब तक हमारे पास 1000 चार्जर्स ऑनलाइन अप एंड रनिंग एंड अवेलेबल फॉर यूज़र्स हो। देखिए चार्जिंग जो है, टाइमिंग, इसके बारे में बहुत गलत फहमियाँ हैं, इसको मैं थोड़ा सा सुधारना चाहूँगा। एक गलत फहमी है कि चार्जर के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि कितना चार्जिंग है, गाड़ी के ऊपर डिपेंड करता है। आप इस इधर बहुत बड़ा चार्जर लगा है लेकिन गाड़ी उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगी, तो अभी उसको नंबर्स में देता हूँ। एक साधारणतः टू व्हीलर जो है वो तीन से चार किलोवाट चार्जिंग लेता है। ये जो चार्जर है एक घंटे के अंदर चार्जिंग कर सकता है, एक घंटे से कम में चार्जिंग कर सकता है। ये जो गाड़ी है फोर व्हीलर, ये क्योंकि ये AC जिसको बोलते हैं नॉर्मल चार्जर है, अगर आप DC चार्जिंग में जाएँ तो वो तो बड़ी गाड़ियाँ 30 मिनट्स में चार्जिंग होकर हमारे चार्जिंग स्टेशन से निकलती हैं। ये जो धारणा है कि हमको फास्ट चार्जर्स चाहिए, बहुत बड़े बड़े चार्जर्स, ये गलत है। हमको क्या चाहिए, बहुत सारे छोटे चार्जर्स। इट इज़ अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ स्मॉल चार्जर्स, नॉट फ्यू लार्ज चार्जर्स। ये हमारी जो धारणा है कि हमको चार्जिंग के लिए बड़ी चार्जर्स चाहिए, क्योंकि टू व्हीलर जो है ऐसे चार्जर्स पे ही चार्ज होने हैं, थ्री व्हीलर्स ऐसे चार्जर्स पे ही चार्ज होने हैं। तो इसके लिए जो चार्जिंग टाइम जो है, इसके बारे में कुछ गलत वे में हमें क्लैरिफाई करना है। और दूसरी बात, आप चार्जिंग कहाँ करेंगे, आप घर में करेंगे, ऑफिस में करेंगे, आप पार्किंग लॉट्स में करेंगे, आप हाईवे से ज़्यादा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी गाड़ी ऑलरेडी चार्ज है। और एक क्योंकि हमें बात कर ही रहे हैं, चार इलेक्ट्रिक व्हीकल इज़ नॉट अ चेंज इन जस्ट द व्हीकल, इट्स अ चेंज इन द वे यू ट्रैवल। इसमें थोड़ा प्लानिंग लगेगा, हालांकि अभी फिलहाल प्लानिंग लगेगा, लेकिन आगे जाके जब गाड़ियाँ बेहतर होंगी, बैटरीज बेहतर होंगी, तो वो प्लानिंग भी आपके हाथ से निकल जाएगा। लेकिन जब तक वो दिक्कत है, मजेंटा इज देयर टू सपोर्ट यू, तो हम यही कहते हैं, गो अहेड, बाय योर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ट्रैवल क्लीन, लीव द चार्जिंग टू अस। लास्टली सर, कितना इजी टू यूज होगा ये जो नॉर्मल पब्लिक है उनके लिए? देखिए, हमने ये जो चार्जिंग स्टेशन जो लगाया है इलेक्ट्रिक पोल, ये यहाँ परेल रेलवे स्टेशन में लगाने का एक कारण भी है। एक कॉमन आदमी, जो साधारण आदमी घर से ऑफिस जब जाता है, घर से यहाँ आता है, अपनी गाड़ी पार्क करता है और यहाँ से ट्रेन पे चला जाता है, इलेक्ट्रिक ट्रेन पे जाता है। हमारा ये कहना है कि जब वो यहाँ पर हो तो ऐसे चार्जिंग स्टेशन लगे ताकि वो घर से जब ऑफिस से आए, ट्रेन से उतरे, यहाँ से पार्किंग लॉट में चार्ज हुई गाड़ी लेके घर जाए। तो हमारा ये कहना है कि ऐसे बहुत सारे चार्जर्स हम लगा रहे हैं पार्किंग लॉट में। इनफैक्ट ये परेल में जो लगा देख रहे हैं, ये पूरा पार्किंग लॉट है, यहाँ से हमने शुरुआत की है। बाय द वे, हमने दादर में भी लगाया हुआ है, बाइकला में भी ऑन गया हुआ है, सिर्फ यहाँ इनॉग्रेशन यहाँ कर रहे हैं हम लोग। सो हम चाहेंगे कि आगे जहाँ पर भी ऐसे पार्किंग लॉट्स हो, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स में भी हम लोग चार्जिंग स्टेशन लगा रहे हैं। चार्जेस क्या होंगे? परफेक्ट, आपने दो सवाल पूछा कि कितना ईजी टू यूज़ है, तो आप आइए, प्लग कीजिए, ऐप को स्टार्ट कर लीजिएगा, ये सबसे पहला ईजी। दूसरा, इसका बिलिंग सिस्टम पूरा ऑनलाइन है, आपका एक प्रीपेड सिस्टम है जहाँ पर आप उसका आपका ई वॉलेट है, वो ऐप पे जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको ई वॉलेट में आप पैसे डालिए, जहाँ जहाँ पर यूज़ होता है वहाँ पर 20 रुपीज़ पर यूनिट, जैसे आप घर पे भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं
तो आपको पर यूनिट पैसे पे करना होता है। उसी तरह हमने यहाँ पर रखा है 20 रुपीज़ पर यूनिट, या हमने पूरे भारतवर्ष में ऐसे स्टैंडर्ड रखा होगा। उसके बेसिस पे आप कहीं पर भी हो, हमारे एसी चार्जर यहाँ हो, बीकेसी में आप जाइए, आप नवी मुंबई में जाइए, वहाँ तो भारत का सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन अपने महाराष्ट्र मुंबई में नवी मुंबई में है, आप लोनावला जाइए, सभी जगह एक रेट होगा। ताकि टू व्हीलर में आपको 80 पैसे से 1 रुपए के बीच में पर किलोमीटर आपका कॉस्ट होता है, फोर व्हीलर में 1 से 1.5 रुपए पर किलोमीटर। तो आप सोचिए, आज हम जब 10 रुपया 15 रुपया पर किलोमीटर बात करें, वहाँ से जो एक सुविधा या एक जो सुंदरता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कि आप 1 रुपए में ट्रैवल कर सकते हो, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए जो ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम लोग लगा रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।